एनबीएफसी कंपनियों पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद बैंकों से गोल्ड लोन लेना ज्यादा फायदेमंद है। बैंकों में जहां सोने की कीमत के 70-80% तक के बराबर का लोन मिलेगा, वहीं ब्याज दर भी कम होगी। हालांकि एनबीएफसी कंपनियों के मुकाबले बैंकों में ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी होगी। वहीं सिक्योर लोन होने के चलते बैंक भी गोल्ड लोन पर ज्यादा फोकस करेंगे। गोल्ड के बदले लोन लेना हो तो मुथूट और मनप्पुरम जैसी एनबीएफसी के यहाँ जाने से पहले नजदीकी बैंक से भी पता कर ले, क्योंकि बैंक भी अब गोल्ड लोन का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। ग्राहकों को फायदा ये होगा कि उन्हें बैंकों से गिरवी सोने की रकम के 80% तक लोन मिलेगा, जबकि एनबीएफसी को अब 60% तक ही लोन देने की इजाजत है। यही नहीं, ब्याज की दरों के मामले में भी बैंकों में फायदा होगा, क्योंकि बैंक गोल्ड लोन पर 12-14% ब्याज लेते हैं, जबकि एनबीएफसी इसके लिए 18-26% तक ब्याज लेते हैं। एनबीएफसी केवल ज्वेलरी के बदले ही लोन दे सकते हैं, जबकि बैंकों को सभी तरह के सोने के बदले लोन देने की छूट है। गोल्ड लोन बांटने वाली एनबीएफसी पर सख्ती के बाद बैंक इसे अपने लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। The restrictions put on NBFCs by Reserve Bank of India, I think, has opened an opportunity to commercial banks. People have more faith in commercial banks. Sometime around Dushara Diwali this year, we will fully launch, gold financing, because we see this as a long-term advantage. बीते दो साल में गोल्ड लोन की डिमांड में बैंकों को औसतन 100% तक ग्रोथ दिख रही है। एनबीएफसी की जबरदस्त ग्रोथ को देखते हुए बैंकों ने भी अब गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ाना शुरू कर दिया है। बैंकों के लिए गोल्ड लोन पर्सनल लोन के मुकाबले कर्ज बांटकर कमाने का बढ़िया मौका है, क्योंकि पर्सनल लोन के मुकाबले इसमें जोखिम कम है। बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के जमाने में बैंकों के लिए एनपीए कम रखने वाला लोन है। वही ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री समझने में भी इससे सहूलियत होती है। बेहतर क्रेडिट हिस्ट्री हो तो ग्राहकों को भी फायदा होता है। हर बैंक ये रिपोर्ट करेगी क्रेडिट ब्यूरो में, तो आपकी अगर क्रेडिट कोई वजह से खराब हो गई है या आपने कभी पहले लोन नहीं लिया है, तो ये क्रेडिट बिल्ड करने में आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। हालांकि बैंकों से लोन लेने में कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे एनबीएफसी में 10-20 मिनट में लोन मंजूर हो जाता है, जबकि बैंक गोल्ड लोन मंजूर करने में 2-3 दिन तक का समय लेते हैं। बैंक से गोल्ड लोन लेने पर आपको कम ब्याज दर और ज्यादा एलटीवी तो मिलेगा ही, साथ ही अगर आप इसकी रेगुलर ईएमआई भरते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सुधरेगी और आगे चलकर आपको लोन लेने में और आसानी होगी। रितेश मेहता, ज़ी बिजनेस, मुंबई।